गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। टुडे इन द क्लास ऑफ बीसीए थर्ड सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक यूनियंस एंड इन प्रीवियस लेटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड स्टूडेंट्स, now we discuss that what is union kya hote hain inke bare mein hum dekhenge, theek hai। union is a user defined data type। union jo hai ek user, jaise iske naam se pata chal raha, theek hai, iske naam se jaisa hame show ho raha hai union, theek hai, usi tarike ka iska verb bhi hai, theek hai, united hona, union banana, theek hai, is tarike se ek iska verb hai। it is ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ऑल द मेम्बर ऑफ यूनियन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जो यूजर्स हैं इसके वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ यूनियन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेमोरी ऑफ यूनियन। जो यूनियन का साइज, इस पर डिपेंड करता है कि यूनियन की लार्जेस्ट मेमोरी क्या है, उसके आधार पर यूनियन का साइज हमारा डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ सेम मेमोरी लोकेशन फॉर टू और मोर मेंबर्स, यूनियन इज़ द बेस्ट फॉर दैट। अगर दो या तीन मेंबर के लिए या एलिमेंट के लिए आप कोई सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनियन इज़ द बेस्ट। एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, स्ट्रक्चर तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये है हमारा ये स्ट्रक्चर, ये यूनियन, ठीक है। इसमें तीन मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, मेमोरी लोकेशन M0, ठीक है, M1, M2, ठीक है, तीन मेमोरी लोकेशंस हैं ये, और इसमें एक ही मेमोरी लोकेशंस है M0, ठीक है। तब स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रक्चर में होता था कि पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है हमारा स्ट्रक्चर का, जो भी एलिमेंट है या मेंबर है, उसकी अपनी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, उसमें जाके वो स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा आ गया, यहाँ करेक्टर टाइप का डेटा आ गया, इसमें मेमोरी लोकेशन फॉर फिर इंटीजर आ गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने किसी को का एज दे दी 20, ठीक है, करेक्टर किसी का नेम दे दिया राम, और फिर यहाँ इंटीजर यानी कि उसके फ़ी दे दी 4000, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डेटा आ गया। तो ये तो वो स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से हमारे एलिमेंट की अलग मेमोरी लोकेशन होगी और उन्हें हम किसी स्ट्रक्चर के अंडर डिक्लेयर करेंगे। और यूनियन में क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि यूनियन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, साइज ऑफ यूनियन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेमोरी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो अब क्या है, मेमोरी लोकेशंस एक ही होगी मेमोरी लोकेशन, लेकिन इन्हीं में ये सारी चीज़ें, पहला डेटा इंट टाइप का है, क्या है 20, देन करेक्टर टाइप का राम जो नाम दिया, देन इंट टाइप का 4000, ये हमारी एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में हमारी ये सारे एलिमेंट्स या मेंबर्स यूनियन के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, ठीक है। अब देखते हैं, यूनियन आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर, यूनियन सिमिलर स्ट्रक्चर की तरह हैं सेम, बट यूनियन वेरिएबल आर क्रिएटेड इन सेम मैनर एज स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसे यूनियन के वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, सॉरी, जैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, उसी तरीके से यूनियन के वेरिएबल भी किए जाते हैं, बट द कीवर्ड इज यूनियन इज यूज फॉर डिफाइन द यूनियन, और यूनियन को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है यूनियन, ठीक है, ये क्लियर। यूनियन समझ में आ गया, सेम स्ट्रक्चर की तरह पॉलिसी है इसकी, लेकिन ये क्या है, स्ट्रक्चर का अपना पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, और इसका मेमोरी लोकेशन
इस तरीके से एक ही रहता है। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट ने मैंने बताया, लेकिन डिक्लेयर आप बिल्कुल सेम करेंगे स्ट्रक्चर की तरह। जैसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर होता वैसे ही यूनियन डिक्लेयर होता, उसमें कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज होता है, इसमें कीवर्ड यूनियन यूज होता है। ठीक है, देखिए ये सिंटैक्स है इसका, यूनियन कीवर्ड हो गया ये, फिर यूनियन टाइप, यूनियन का टाइप का जैसे स्ट्रक्चर का टाइप आता था, फिर नेम स्ट्रक्चर का क्या है। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया, यूनियन का टाइप क्या है, टाइप ऑफ यूनियन क्या है, इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, एंड देन नेम ऑफ यूनियन, नेम ऑफ यूनियन। ठीक है, क्लियर। और ये सब क्या है, डेटा मेंबर, मेंबर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। यूनियन वेरिएबल, इस तरीके से हमारा यूनियन डिक्लेयर होगा, टाइप मेंबर, डेटा मेंबर कह सकते हैं इसे, ये सारी चीज़ें हैं। और यूनियन इस तरीके से जैसे सेम स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, एक्सेसिंग द यूनियन मेंबर, यूनियन मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है ये भी देख लीजिए। वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन टू एक्सेस इट्स मेंबर। ठीक है, अगर हमें यूनियन के किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा उस मेंबर के लिए। ऑब्जेक्ट इज़ ए वेरिएबल ऑफ टाइप यूनियन, ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है टाइप यूनियन के टाइप का। यूनियन मेंबर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, जैसे स्ट्रक्चर में भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होते थे, वैसे यूनियन में भी जो एक्सेस हमारे मेंबर हैं या एलिमेंट हैं वो डॉट ऑपरेटर के द्वारा ही एक्सेस होते हैं। बिटवीन यूनियंस ऑब्जेक्ट एंड यूनियंस मेंबर नेम, ठीक है, कहाँ डॉट लगेगा, बिटवीन यूनियन ऑब्जेक्ट और मेंबर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा हमारा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड एक्सेसिंग यूनियन मेंबर। ठीक है, एक्सेसिंग यूनियन मेंबर यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और यूनियन मेंबर को एक्सेस करना है। ठीक है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल, इंक्लूड आईयू स्ट्रीम डॉट एच, देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, अब हमने एक यूनियन डिक्लेयर किया है, इसका नाम रखा है यूनियन एम्प्लॉय। ओके, उसके डेटा मेंबर को हम डिफाइन करते हैं, इंटीजर टाइप की आईडी है एम्प्लॉय की। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का नेम है एम्प्लॉय का, 25 कैरेक्टर्स है। ओके, देन इंटीजर टाइप का एज है एंड लॉन्ग टाइप की सैलरी। क्लियर, ये हमारा यूनियन एम्प्लॉय नाम से एक डिक्लेयर हो गया। अब ये कैसे वर्क करेगा ये भी देखते हैं। मेन फंक्शन, वाइड मेन फंक्शन हमने लगाया, फिर हमने एम्प्लॉय ई एक वेरिएबल ले लिया ई एम्प्लॉय के नाम से, यूनियन वेरिएबल जिसे कहते हैं। ठीक है, यूनियन वेरिएबल ले लिया ई। ठीक है, ई लेने के बाद सी आउट स्लैश एन एंटर एम्प्लॉय आईडी। ओके,
देन सी इन डॉट से करेंगे तो ई आई डी, ये डॉट ऑपरेटर ठीक है। सी आउट एम्प्लॉय आई डी दैट ई डॉट आई डी, ओके। देन आई डी के बाद क्या था, नेम स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, एंटर एम्प्लॉय नेम, ओके सी इन ई नेम, सी आउट एम्प्लॉय नेम ओके इस तरीके से नेम डिक्लेयर हो जाए। देन एज सी आउट एंटर द एज ऑफ एम्प्लॉय, ओके देन सी इन एम्प्लॉय एज देन सी आउट, ओके क्या एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एज ओके। अब क्या रहेगा, सैलरी एंटर एम्प्लॉय सैलरी, सी इन सैलरी को एंटर कराएंगे एम्प्लॉय सैलरी, ओके सी आउट एम्प्लॉय सैलरी ई सैलरी, ओके क्लियर। ये हमारा हो गया एक्सेस को कैसे हमने वो बनाया, यूनियन बनाया और कैसे इन्हें एक्सेस किया। यहाँ देखो ई एज से एक्सेस किया, ई नेम ई एज ई सैलरी, ये हमारा एक्सेस है ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है आउटपुट क्या आएगा इसका, अगर हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है वन प्रिंट होकर आएगा एम्प्लॉय आईडी वन, इस तरीके से नेम नेम डॉट, ये सारी चीज़ें हमारी होंगी। तो ये था यूनियन, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।